हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घात और घातांक का एक्सरसाइज 5.2। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको क्या करना है, घातांक के कुछ नियम दिए गए थे, उनको आपको यहाँ पे प्रयोग करना है और इनका क्या करना है, सॉल्व करके और जो आंसर होगा वो घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, घातांकीय रूप में लिखने से पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ये घातांक का नियम क्या था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने आप लोग को कुछ फॉर्मूले मतलब उस टाइम दिखाए थे और उसको हम लोग क्या किए थे, एग्जाम्पल के साथ में डिफाइन किए थे। ठीक है दोस्तों, पढ़े थे उसको, तो एक बार और फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर पहला, सॉरी, ये आपका था यहाँ पे क्या फार्मूला पहला था, क्या ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यानी कि क्या है, इसका आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन, यानी कि आधार वही लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पहला। दूसरा देखिए क्या है, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, यानी कि दोनों का आधार अलग अलग हो और पावर क्या हो, एक ही हो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आधार को गुना कर देंगे और पावर को वही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला तीसरा है आपका, ए टू द पावर एम का होल पावर एन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, आगे देखिए, फाइव नंबर है, ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन, यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका आधार क्या रहेगा, सेम रहेगा और पावर रहेगा अलग अलग, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आधार को वही लिख देना है और पावर को कर देना है घटा। ठीक है, आप पावर को घटा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन, तो हम लोग हमने क्या लिखा, ए टू द पावर एम माइनस एन। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, फाइव नंबर है, ए टू द पावर एम डिवाइड बी टू द पावर एम, यानी यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग है और पावर सेम है, तो यहाँ पे आधार को कर देना है डिवाइड और पावर को लिख देना है उसी तरह से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बाई बी का होल पावर एम। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका पहला, पहला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए ये क्या है, अब ये मल्टीप्लाई में है लेकिन यहाँ पे तीन टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए क्या किए हमने, क्वेश्चन इसको लिख लिया 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 8, यानी यहाँ पे देखिए पहला जो आपका फार्मूला था वही यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिए क्या है, यहाँ पे आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो हमको क्या कर देना पड़ेगा, आधार को वही लिख देना है और पावर को ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 8, तो अब आधार को वही लिख दो 2 और पावर सबको जोड़ दो, 8 + 4 + 3, तो 3 + 4 + 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 to the power 4 3 7 और 8 15, 2 to the power 15, 2 to the power 15, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 7 का पावर 15 भागा 7 का पावर 10। तो देखिए यहाँ पे वो वाला रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा, भागा वाला, जो क्या था, ये था ना, ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर एन, तो हमने क्या लिखा था, ए का पावर एम माइनस एन, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सेम उसी टाइप से लिख देना है। देखिए 7 का पावर 15 है भागा 7 का पावर 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार को वही लिख देंगे और पावर को घटा देंगे, 15 - 10 क्या हो जाएगा आपका, 7 का पावर हो जाएगा 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 to the power 9 इंटू 2 to the power 5, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आधार सेम है और पावर अलग अलग, तो क्या करना है,
यहाँ पे आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ, टी का पावर 9, सॉरी इंटू टी टू द पावर 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी का पावर 9 प्लस 5, बोले तो टी का पावर 14, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। तो पहला वाला टर्म में देखिए आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका है क्या ये वाला फार्मूला, ए का पावर एम का हाल पावर एन, तो आपका क्या होता था, यहाँ आपका हो जाएगा ए का पावर एम एन, होगा ना। तो चलिए इसी को अब करते हैं आगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया है, देखिए अब जैसे पहला यहाँ पे टर्म है क्या है, 7 का पावर 2 का हॉल पावर 3, ठीक है, गुना 7 का पावर 3, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म ये सॉल्व होगा आपका, क्या हो जाएगा 7 का पावर 2 गुना 3, बोले तो 2 3 6 गुना 7 का पावर 3। अब यहाँ पे आप देखो क्या ये पावर क्या है आपका, अलग अलग और आधार सेम है, क्या लिख देना है, आधार को ही लिख दो और पावर को क्या करो जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका फॉर्मूला था ना, ये ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर क्या था आपका, ए का पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो यही करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7 का पावर 6 और 3 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ए का पावर 5 इंटू ए का पावर 6, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आधार आपका सेम है और पावर अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, आधार को वही लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो यहाँ ए को ए ही लिख दिया और पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 6, बोले तो कितना हो जाएगा आपका ए का पावर 11, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 20 माइनस 2 का पावर 18 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2। तो सबसे पहले देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, देखिए अगर गुना होगा तो, लेकिन यहाँ पे तो क्या है आपका भागा है, तो करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब आपका आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, घट जाता है ना, तो हम क्या कर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 2 का पावर 20 माइनस 18 गुना 2 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 का पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 में से 18 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुना फिर से 2 का पावर सॉरी 2 होगा यहाँ पे। अब क्या हो गया, अब 2 को 2 ही लिख दीजिए और पावर को 2 प्लस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 का पावर 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे भी जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 था उसी टाइप से यहाँ भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहला पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, 2 का पावर 3 का होल पावर 4, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 का पावर 3 का होल पावर 4, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग क्या देखे थे, ए का पावर एम रहता था, उसी का पावर होल में एन रहता था, तो क्या कर देते थे हम, ए का पावर एम एन करते थे, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा। चलिए देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 3 का होल पावर 4, ठीक है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, उसको सॉल्व करके लिख देना है आंसर, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 का पावर 4, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 4, तो इसी को क्या लिख देना, 2 का पावर 12। अब बोलिएगा कैसे, तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि क्या होता है आपका ए का पावर एम का हॉल पावर क्या होता था एन, तो इसको हम क्या लिखते थे, ए का पावर एम एन लिखते थे ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो ये दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, 625 भागा 5 का पावर 4।
तो सबसे पहले हम 625 को क्या कर लेंगे, उसको क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है जिसका आधार होना चाहिए 5। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 625 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या कीजिए, 625 आप लिख लीजिए और इसको आप क्या कीजिए, 5 से आप डिवाइड करते जाइए। ठीक है, 5 1 5, यहाँ से 1 निकला, कितना बना, 12, 5 2 10, और यहाँ से 2 निकला, 5 5 25। ठीक है, फिर से 5 से 5 2 10, यहाँ से 2 निकला, बना कितना, 25, 5 5 25, फिर से 5 5 25, और यहाँ फिर से कितना हो गया, 5 1 5। अब देखिए यहाँ पे आपका 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, इसको लिख सकते हैं आप 5 का पावर 4। ठीक है, तो 625 को आप लिख सकते हो क्या, 5 का पावर 4 भागा, इधर से भी क्या था, 5 का पावर 4। अब जब इसको क्या करेंगे, भागा में क्या हो जाता है दोस्तों, पावर घट जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 -4, बोले तो 5 का पावर 0, और किसी का भी पावर होता है 0 तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो ब्रैकेट में दे दो, चूंकि a^0 इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, अब चलिए देख दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन है 3। 2 का पावर 3 * 2 का होल पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, और ये देखिए 2 2, यानी आधार क्या है सेम है और पावर अलग अलग, तो हम क्या कर देंगे, आधार को वही लिख देंगे, 2 को 2 ही लिख देंगे, और पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1, बोले तो 4 हो जाएगा। अब इसी का पावर होल क्या है, 3 है, तो आप क्या जानते हैं, जब पावर जब होल में हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 3 = 12, 2 का पावर 12, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला, 1 का पावर 6 / 1 का पावर 3, ठीक है, * 1 का पावर 4। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो भागा वाला है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या जानते हो, जब क्या हो, पावर सेम, सॉरी पावर क्या, आधार सेम हो और पावर आपका अलग अलग हो, तो आप क्या करते हो, डिवाइड में घटा देते हैं ना पावर को, तो यही टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 का पावर 6 है, भागा 1 का पावर 3 है, तो यहाँ पे घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का पावर 6 - 3 * 1 का पावर 4 हो जाएगा ना। अब इसी को चलिए आगे सॉल्व कर देते, क्या हो जाएगा, 1 का पावर 3 * 1 का पावर 4। अब फिर से वही कंडीशन क्या आ गया, आधार सेम है और पावर अलग अलग, तो हम क्या कर देंगे, आधार को वही लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो 4 और 3 = 7, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 3 * 2 का होल पावर 0। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो देखिए क्या है आपका, आधार सेम है और पावर अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, आधार को वही लिख देंगे और पावर को 3 + 1। ठीक है, अब इसी का होल पावर क्या कर देंगे, 0। अब आगे क्या हो गया आपका, 2 का पावर 4 का होल पावर 0, जब आप करोगे ऐसे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0, और आप जानते हैं कि किसी का पावर जब 0 होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है देखिए 4 का पावर 8 * 1 का पावर 8 * b का पावर 8। ठीक है, अब आगे है नीचे क्या, देखिए डिवाइड में एक 4 का पावर 5 * 1 का पावर 5 * b का पावर 2। अब देखिए क्या होता है, डिवाइड में जब रहता है तो घट जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या, 4 का पावर 8 है और यहाँ कितना, 4 का पावर 5, तो जब आगे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पे पावर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 4 का पावर 3 गुना में, देखिए यहाँ 1 का पावर 8 है और यहाँ 1 का पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 8 में से 5 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, आपका बच जाएगा 1 का पावर 3 गुना, यहाँ देखिए b का पावर 8 है और यहाँ पे क्या है, b का पावर 2 है, तो 8 में से 2 को घटा देंगे कितना बचेगा आपका, b का पावर 6, यही हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 0 * 3 का पावर 0 * 2 का पावर 0। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, किसी का भी पावर 0 रहता है मतलब उसका वैल्यू 1, तो 2 का पावर 0 मतलब 1 * 3 का पावर 0 मतलब 1 * 2 का पावर 0 मतलब 1। अब 1 * 1 * 1 क्या हो जाएगा, 1 * 1 = 1, 1, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है क्या, 1000 का पावर 0 भागा 1 का पावर 0, तो किसी का भी पावर क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, मतलब उसका वैल्यू 1, भागा ये भी 1 का पावर 0 मतलब 1, तो अब यहाँ 1 भागा 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है आपका, 3 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 27, तो यहाँ पे आपका जो 27 है उसको पहले 3 के आधार के रूप में लिख लेना पड़ेगा आपको। ठीक है तो देखिए ये 27 यानी 27 को क्या कर लेते हैं हम, पहले इसको घातांक के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 9 27, यहाँ से 3 3 9 और ये 3 1 3, यानी 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 3, यहाँ पे 3 का पावर 2 गुना 3 गुना ये 3 का पावर 3। अब सभी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए सभी का आधार क्या है, सभी का जो आधार है आपका क्या है, सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या कर देंगे, आधार को वही लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा पावर यहाँ पे 2 1 3 और 3 6, यानी 3 का पावर 6 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, 5 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 0, तो देखिए यहाँ पे सभी का आधार क्या है, सेम है, इसीलिए हम पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 को 5 ही लिख दीजिए और पावर 2 प्लस 1 प्लस 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 का पावर हो जाएगा 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।